तो क्या कह रही है कि तुझे महाराज के साथ नहीं रहना। क्यों क्यों क्यों? सुरची कहने लगी, सुन 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 सुन, अगर तेरे महाराज तेरे साथ रहेंगे तो मुझे वापस भेजवा दे, और मेरे साथ रहेंगे तो तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो जो सुनीति ने ये बात सुनी, सुनीति समझ गई अब बात बिगड़ रही है। तो सुनीति ने आज सुरचि के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके आज सुरचि से कहा, बहना ये राजपाट धन दौलत सब तेरा है, जो तुझे चाहिए तू सब ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन डोला वापस करवाने की बात न करो। क्यों क्यों? क्योंकि आज अगर डोला वापस हो गया तो हे बहन मेरे महाराज का बहुत अपमान होगा, और मुझे मृत्यु स्वीकार है लेकिन अब मेरे पति का अपमान स्वीकार नहीं है। राजपाट धन दौलत सब तुम ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन डोला से बाहर आ जाओ, डोला से नीचे उतर के आ जाओ। जब ये बात कही तो सुरची ने उत्तान पास से कहा, सुना तुम्हें इसके साथ रहना या मेरे साथ? अगर ये इस घर में रहेगी मैं इसे पैर नहीं रखूंगी डोले से नीचे, भगाओ इसको यहाँ से, निकालो यहाँ से इसको बाहर। जब ये बात कही तो कहने के बाद में आज उत्तानपाद सुनीति को अपने पास में बुलाया सुनीति को, और पास में बुला कर उत्तानपाद ने सुनीति से कहा, कह रानी हमने तुमसे कहा था मौत अच्छी है लेकिन सौत अच्छी नहीं है। पहले ही तुम्हें मैंने समझाया था, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब देखो आते ही आते ये कलह करने लगी, बताओ तुम क्या करोगी? सुनीति कहने लगी, महाराज मुझे मैंने आपसे एक ही बात कह दी, मुझे मौत स्वीकार है लेकिन आपका अपमान स्वीकार नहीं है। अगर मेरी बहन ये चाहती है कि मैं इस घर में ना रहूं, कोई बात नहीं, मैं इस घर से निकल जाऊंगी, लेकिन आप मेरी बहन के साथ रहो, मुझे धन दौलत राजपाट कुछ नहीं चाहिए, आप इसके साथ रहो, इसका डोला वापस नहीं होना चाहिए। धन्य है वो नारी, धन्य है वो सुनीति जिसने अपने पति का दूसरा विवाह भी करवा दिया, और दूसरा विवाह करवाने के बाद में आज महाराज ये कह रही है कि दुख में रहेंगे सुख में रहेंगे जैसे भी रहेंगे हम गुजर कर लेंगे, लेकिन आप बहन का साथ न छोड़ो। और आज के जमाने में तो महाराज देखो, अगर इनके पति नेकाओं की बड़ाई कर दे तो संजय के भाई साहब रोटी नहीं मिलते। अगर आप लोग अपनी अपनी पत्नियों के सामने अगर नेक और काल की बड़ाई कर दे वो, तो भैया शाम की छुट्टी हो जाए खाना की फिर भोजन मिलवे वालो नहीं है, फिर तो जी जकाती भाई के ढंगा जाओ खाओ जाए हवाई पास कर रखो है। हाँ ऐसे कहती है ये, तो इसीलिए कहा जाता है धन्य है वो नारी जो आज महाराज उत्तान पास से कह रही है कि मैं जैसे भी रहूंगी रह लूंगी लेकिन आप बहन का साथ न छोड़ो। सुनीति सुरची के पास में आई, बोल बहना तू मुझे बता दे जहाँ रहने के लिए तू मुझे भेज देगी, मैं वहीं रह लूंगी गुजर कर लूंगी लेकिन तुम डोला वापस न करवाओ। जब ये बात कही सुरची कहने लगी, सुन तू खेतों पर जाकर के झोपड़ी बना करके कागा उड़ाया करेगी, वहीं पर जा करके रहेगी, वहीं तेरा बसेरा होगा, और इधर मेलों की तरफ अगर तू घूम गई तेरे पैर तोड़ देगा तू इधर आई। तो सुनीति कहने लगी, ठीक जैसा तुम्हें अच्छा लगे मैं वैसा ही करूंगी। आज महाराज ध्यान रखना, सुरचि ने आते ही आते सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। आज भैया सुनीति ने राजसी वस्त्रों को छोड़ा, राजपाट छोड़ा, अपने पति के मुख को निहार करके अपने आंखों में आंसू ले करके वो मैया आज जाने लगी। उत्तान पास से बोली, महाराज मैं तो जा रही हूँ, हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था, साथ पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि आप बहन का कभी साथ नहीं छोड़ना, और बड़े आनंद से आप अपना जीवन यापन करना। तो सुनीति ने जवाब दिया, मैं तो जा रही हूँ महाराज, आप अच्छे से रहना। उत्तानपाद ने देखा मेरी बड़ी रानी जा रही है, तो उत्तानपाद की भी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने के बाद में आज ध्यान रखना परीक्षा जी, सुनीति जो थी वो चली, और चलते चलते खेतों में जा करके एक झोपड़ी बना करके मैया रहने लगी, और इधर उत्तानपाद जो है वो सुरची के साथ
रहने लगे। जब सुरची के साथ रहने लगे, अब सुनीति जो है झोपड़ी बना करके रह रही है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुरची ने एक दिन सोचा, रात का समय था और सुरची जो है अपनी झोपड़ी में लेटी हुई है और सुरची उसे खाने के लिए जौ की रोटी देती है, नमक रख कर, नमक रख करके जौ की रोटी देती है। सुनीति उसी में गुजर कर लेती है। एक दिन सुनीति अपनी झोपड़ी में बैठी है। अब एक दिमाग में झटका लगा, क्या कि ना मेरे पास में मेरे पति हैं, ना मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया, तो मैं जी करके करूंगी क्या? इससे अच्छा यही है कि मुझे मर जाना चाहिए। अब सुनीति ने मरने का विचार बनाया और मरने का विचार बना करके महाराज जंगल की तरफ जाने लगी। आधी रात का समय है, अपने पति की याद करते हुए जा रही है। और कैसे जा रही है?